भाई हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है। और इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। और इसमें हर रोज हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। संजीवनी में आज हम किसी रोग के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी की जो दुनिया में चार सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली सब्जियों में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खीरे की, जिसे लेकर ऐसा कहा जाता है कि खीरा न केवल भूख मिटाता है बल्कि पोषण और इंस्टेंट एनर्जी देने का काम भी करता है। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि खीरा सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे पफी आईज से बचने के बहुत सारे नुस्खे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है खीरे के फायदे। बनाएगा आपको खूबसूरत, खीरे से होगी बॉडी में पानी की कमी पूरी, खीरे से होगा कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस, खीरा करेगा ब्लड प्रेशर कंट्रोल, खीरा बनाएगा किडनी को हेल्दी, खीरे से होगा डाइजेशन दुरुस्त। तो खीरा खाइए, तंदुरुस्त हो जाइए। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि खीरे को गुणों की खान कहा जाता है, जो कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है, सर्वोत्तम माना जाता है। तो उनसे ये पूछते हैं कि संजीवनी के खास करके आप लोगों के लिए, दर्शकों के लिए ये जानते हैं कि खीरे के फायदे क्या हैं और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की अगर हम बात करें, क्या जिक्र है आयुर्वेद में खीरे का, खीरे के अंदर ऐसी क्या चीजें होती है कि उसे सेहत के लिए इतना फायदेमंद माना जाता है? देखिए, खीरा जो है, जैसे आपने कहा कि बड़ी कॉमन सी चीज है, हर जगह उपलब्ध है, बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। और देखा जाए इसके अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की दृष्टि से देखें तो इसमें ज्यादातर कंटेंट जो है वो पानी का होता है। पानी इसमें काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इसके साथ साथ कुछ अच्छे पोषक तत्व भी इसमें होते हैं। पानी की मौजूदगी की वजह से ये कूलिंग है, पित्त शामक इसको आयुर्वेद में कहा गया है, शीत वीर्य इसको कहा गया है। इसके साथ साथ इसका छिलका जो होता है उसमें फाइबर की मात्रा होती है, तो पेट के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें अगर गुणों की बात करें तो त्वचा के रोगों के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, मस्तिष्क को शक्ति देने वाला है। इसके साथ साथ खीरे में कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करते हैं, मूत्रल यानी कि डायूरेटिक भी इसको माना गया है। और इसके अतिरिक्त खीरे में जो है कुछ ऐसे गुण हैं जो हमारी त्वचा को बहुत साफ और स्वच्छ बनाते हैं, त्वचा में कुछ हमारी चमक पैदा करते हैं। तो काफ़ी गुणकारी है खीरा, और इसका प्रयोग आमतौर पर लोग सलाद के रूप में करते हैं, और इसका प्रयोग जो है सलाद के अलावा इसका जूस निकाल करके भी पिया जा सकता है, और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी प्रयोग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। कभी इसके स्लाइस काट कर आंख पर रख लेते हैं, या कभी त्वचा पर इसके जूस का थोड़ा मसाज करते हैं। तो इस प्रकार से इसके जो भी गुण हैं उनको हम अपने शरीर में उनका फायदा उठा सकते हैं। लुधियाना से करतार जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, मैं करतार सिंह बोल रहा हूँ पंजाब से। जी बोलिए। जी, मेरी ये समस्या है, मैं जब रनिंग करता हूँ तो मेरे को काफी मतलब सांस फूलने लगती है और मैं थक जाता हूँ बहुत जल्दी। अच्छा। हाँ जी। देखिए, जब आप दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो डेफिनेटली सांस थोड़ा फूलता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि कुछ आपका ज्यादा सांस फूलता है या बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, तो इसका मतलब है कि थोड़ी शरीर में आपको एनर्जी कम है, आपके शरीर में शक्ति कम है, शरीर में ओज की कमी है, शरीर में आपको धातु कमजोर है, ऐसा हम आयुर्वेद की भाषा में इसको कह सकते हैं। तो धातु वृद्धि के लिए, ओज वृद्धि के लिए, शक्ति वर्धन के लिए कुछ अच्छी चीजें आपको खानी चाहिए। 7-8 बादाम, 10-15 किशमिश के दाने रात को पानी में भिगोइए, सुबह बादाम का छिलका उतारिए, साथ में किशमिश को अच्छी तरह से जो है उनको भी धो करके और इनको पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना करके एक गिलास दूध में डाल करके उबाल दीजिए इसको, और इसको सुबह सुबह आप पिए, इससे आपको शक्ति आएगी। च्यवनप्राश बहुत अच्छी चीज है आयुर्वेद में। च्यवनप्राश का एक हमारा एक ऐसा टॉनिक है, खास तौर से फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए बहुत शक्तिवर्धक हम इसको मानते हैं। तो जीवा से च्यवनप्राश आप मंगा लीजिए और उसको नियमित रूप से आप खाइए, तो इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा।
खीरे की आज हम बात कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब से थोड़ी और जानकारी लेते हैं खीरे के बारे में। ऐसा कहा जाता है खीरे को लेकर कि खीरा गर्मी से लड़ता है और साथ ही साथ जितना ही अंदर से नरम होता है उतना ही ज्यादा फायदेमंद होता है और साथ ही साथ बॉडी से टॉक्सिन्स भी बाहर निकालता है। ऐसे में गर्मियों में खीरा कितना फायदेमंद है हमारे लिए, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, गर्मियों की जहां तक हम बात करें, पानी की कमी हो जाती है, लू के थपेड़े लगने लगते हैं, ऐसे में खीरा कितना फायदेमंद? बहुत फायदेमंद है, जैसे मैंने कहा कि कूलिंग है और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये हमारे शरीर में जो है पानी की मात्रा को मेंटेन रखता है, हाइड्रेशन करता है। इसलिए गर्मी में होने वाली बीमारियां हैं जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, या लू लगने की बात आपने कही, या त्वचा की कोई रोग आपको हो जाता है, खारिश खुजली हो जाती है, या कभी कभार आपने देखा होगा एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आँखों में जलन होती है, या आपके शरीर में कहीं पर भी जो है जैसे आग जैसी निकल रही है, इस तरह के जो लक्षण आपको गर्मियों में दिखते हैं, इनसे बचने के लिए खीरा बहुत फायदेमंद है। खीरा रेगुलर आप खाएं, गर्मियों में तो जरूर खाएं, और गर्मियों में तो बहुत ज्यादा मात्रा में खीरा मिलता है, ककड़ी भी मिलती है। ककड़ी भी खीरे के ही परिवार की एक सदस्य है और उसमें भी सिमिलर गुण पाए जाते हैं। तो खीरा खाएं, ककड़ी खाएं, पानी भी साथ में पिएं, ताकि आपके गर्मियों में जो आने वाली जो बीमारियां हैं उनसे आप बचाव कर सकते हैं, अपना और अपनी त्वचा को अच्छा रख सकते हैं, अपने शरीर को भी आप अच्छा रख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं खीरे की। खीरे में हालांकि बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेहद फायदेमंद है। आइए डॉक्टर साहब से थोड़ा सा उन विटामिन के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सारे विटामिन उसके अंदर मौजूद होते हैं। देखिए, विटामिन इसमें मेन जो होते हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन के भी होता है इसके अंदर। इसके अतिरिक्त पोटाशियम मिनरल्स जो होते हैं, पोटाशियम है, सोडियम है, एंटीऑक्सीडेंट्स, बीटा कैरोटीन आपने सुना होगा, उसका नाम कई बार हम लेते हैं, इसको कि एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो एक प्रकार से जो घातक चीज़ें हैं, रेडिकल्स, जो फ्री रेडिकल्स जिनको बोलते हैं, जो हमारे बॉडी की अच्छी टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको साफ करने का काम भी ये करता है, उसी को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी इसके अंदर पाई जाती है। दिल्ली से मनीष जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब जी, मेरे ना पैरों के एड़ियों में पसीना बहुत आता है और गर्मियों में ऐसे हो जाते हैं जैसे गल से जाते हैं एकदम, और स्मेल भी बहुत आती है हमें। देखिए, ज्यादा पसीना आना पैरों के नीचे हथेलियों में ये एक रोग है और इस रोग को समझना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, कई बार किसी और रोग के कारण होता है, कई बार जो हम इसको पित्त की वृद्धि के कारण मानते हैं, कभी कभार स्रोतस अवरोध के कारण मानते हैं, यानी कि कोई ब्लॉकेज हो गई है वहाँ पर, किसी प्रकार का चैनल्स में रुकावट आ गई है, उसके कारण भी हो सकता है। तो रोग के कारण को समझ करके उसको निकालना बहुत जरूरी है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। गर्म चीज़ें खाना बंद करिए, लाल मिर्च अचार खटाई चटनी वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिए। पानी कम से कम 2-3 लीटर आप रोज पी लीजिए, तो उससे आपको शोधन होगा, क्लिंजिंग होगी, हीट निकलेगी बॉडी की। और आप एक चीज और कर सकते हैं कि थोड़ा लेप आप लगाएं, वहाँ मेहंदी का लेप बना करके वहाँ लगा सकते हैं, या और भी कोई कूलिंग चीज़ हो जैसे कि नारियल कच्चा होता है, उसको ग्रेट करके उसको थोड़ा सा पेस्ट बना करके वो उसका आप वहाँ बांध लें किसी पट्टी वगैरह से, उससे भी कूलिंग होती है। और कूलिंग कोई भी चीज़ आपके पास घर में हो, खीरे की बात की, खीरे को भी ग्रेट करके आप उसमें थोड़ा लगाएं, लेप लगाएं वहां पर, और थोड़ी देर के बाद उसको हटाएं, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। तो हमने ये तो जान लिया कि खीरे के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, कौन कौन से विटामिन्स हैं, और जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स का भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया वो भी मौजूद है, यानी कि एक तरह से देखा जाए खीरे का सेवन हमारे लिए फायदेमंद है। अब फायदेमंद तो है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं अरे ठीक है फायदा हो रहा है, लेकिन कौन से रोग दूर हो रहे हैं? तो खासतौर पर उनके लिए जानते हैं कि कौन कौन सी परेशानियां या फिर कौन कौन से रोगों से हम बच सकते हैं खीरे का सेवन करके। डॉक्टर साहब, बीमारियों को दूर करना हर कोई चाहता है, हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है। खीरा हमने खाया, पानी की कमी जैसे कि आप कहते हैं दूर होती है, और कौन कौन सी परेशानियां ठीक होती है? देखिए, जितने भी आपके यूटीआई जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें खीरा बहुत अच्छा काम करता है। किडनी स्टोन यदि आपको है उसमें खीरा बहुत अच्छा काम करेगा। हाइपर एसिडिटी यानी कि जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, पेट में जलन होता है, उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अतिरिक्त आपकी त्वचा के रोग हैं जो फोड़े फिंसी या खारिश खुजली वगैरह जो होती है उसमें खीरा बहुत अच्छा काम करता है। आँखों में जलन यदि हो, आँखों में खुजली हो, उसके लिए खीरे के स्लाइस आप रखते हैं ऊपर काट करके, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त कब्ज यदि है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होता है, उसके लिए आप खीरे का सेवन कर सकते हैं। और पित्तवर्धक कोई भी जो पित्त के साथ जो जुड़ी हुई कोई भी रोग है जिसमें पित्त के कारण कोई रोग होता है,
तो उसमें भी खीरे का प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे कि हेयर लॉस है फॉर एग्जांपल, या बाल सफ़ेद हो रहे हैं आपके, या कहीं और शरीर में कहीं जो है आपको इन्फ्लेमेशन हो गया है, सूजन कहीं आ गई है, जलन हो रही है, यूरिक एसिड में भी काम करता है। यूरिक एसिड अगर बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल यदि आपका बढ़ा हुआ है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो बहुत सारे रोगों में खीरे का प्रयोग आप कर सकते हैं। खीरा आप खाइए, आपको देखिए काफ़ी चीज़ें आपको वैसी फ़ायदा उसमें दिखने लगेगा। अच्छा, तो उसको जरूर खाना चाहिए, जब भी सीजन होता है अच्छे से अच्छा मिलता है सीजन में, उसका प्रयोग करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। सलाद के रूप में खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, कभी आपका मन किया कुछ स्नैक्स खाने हैं तो खीरा खाइए। क्यों आप वो नमकीन वमकीन खाते हैं, वो ऐसी गंदी चीज़ें खाते हैं, आजकल जंक फूड खाते हैं लोग कुछ, तो वो मत खाइए, अच्छी चीज़ खाइए, साफ स्वच्छ चीज़ खाइए, जिसमें अच्छे पौष्टिक चीज़ें भी हैं, उसका सेवन करिए। उसके गुण भी हैं, चिकित्सा संबंधित काफ़ी गुण हैं, मेडिकल उसमें बेनिफिट्स बहुत हैं, उसका सेवन करना चाहिए। तो अच्छी चीजों का कीजिए सेवन और उठाइए पूर्ण लाभ। डॉक्टर साहब ने जैसे कि हमें ये बताया कि खीरा खाने से न सिर्फ हमारी सेहत बढ़िया रहेगी बल्कि हम सुंदर भी बनेंगे। भाई अगर आप एक फीमेल हैं तो जाहिर सी बात है ब्यूटीफुल रहना चाहते हैं, अगर मेल हैं तो हैंडसम बनना चाहते हैं। क्या कुछ इसके अंदर ऐसे फायदे हैं या फिर किस तरह से ये हमारी खूबसूरती में इजाफा कर सकता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, ब्यूटी की जहाँ तक बात है, खीरा किस तरह से साथ दे सकता है? देखिए, खीरा काफ़ी अच्छा है त्वचा के लिए, बहुत अच्छा है। हमारी त्वचा में एक चमक लाना, एक विशेष प्रकार की उसमें ग्लो पैदा करना खीरे का काम है। चेहरे पर चमक होना खीरे से होता है, खीरा खाने से। और इसके अतिरिक्त आपको कई बार देखा होगा कि डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उसमें खीरा खाने से फ़र्क पड़ता है। पफी आइज़ जो बोलते हैं कि आँखों के नीचे थोड़ा सूजन टाइप की हो जाती, उसमें खीरा बहुत अच्छा काम करता है। या आपको त्वचा पर उसकी मसाज करें, खीरे का जूस निकाल करके चेहरे पर थोड़ी मालिश करें, तो बहुत अच्छा ग्लो और चमक आपके चेहरे पर आती है। और इसके अतिरिक्त अगर झुर्रियाँ या रिंकल्स वगैरह आपके चेहरे पर हैं तो उसमें भी आप खीरे का प्रयोग कर सकते हैं। खीरे का जूस निकाल करके उसमें थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा शहद मिला करके उससे जेंटल मसाज करेंगे, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो न केवल शारीरिक रोगों को दूर करता है, आपको सुंदर भी बनाता है। बहुत बढ़िया चीज़ है, केवल शरीर के लिए नहीं लेकिन ब्यूटी के लिए, आपकी सुंदरता के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो खीरा बनाएगा आपको ब्यूटीफुल। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसपे डॉक्टर साहब अब आपको बताने वाले हैं खीरे के सेवन से किस तरह से आप रह सकते हैं फिट एंड हेल्दी, और खीरे को लेकर क्या है आज की संजीवनी, आइए जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, खीरा बहुत सारी चीजें मैंने पहले आपको बताई दी खीरे के बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं खीरे के विषय में। अगर आपको आंखों में जलन होती है, आंखों में खुजली होती है, तो आप खीरे का एक गोल वो स्लाइस काटिए और उसको ठंडा कर लीजिए फ्रिज में रख करके, और फिर लेट करके थोड़ा आंखों के ऊपर रखिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। कई बार बहुत थके हुए आप आते हैं ऑफिस से, आँखों में जो है जलन है, थोड़ी आँखों में गर्मी है, आँखों में थकावट आपको लग रही है, तो उससे आप निजात पा सकते हैं खीरा रख करके। दूसरा, ब्रेन के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और मस्तिष्क का कुछ जो है नरिशमेंट भी ये करता है। मेमोरी की अगर प्रॉब्लम हो आपको, याददाश्त कमज़ोर है, या ओल्ड एज में खास तौर से कुछ लोगों का मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, तो उस समय खीरा आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। आपकी त्वचा में अगर डार्क सर्कल्स हैं नीचे, खीरे का जूस निकालिए, उसमें थोड़ा सा बादाम का तेल मिलाइए, उससे जेंटल मसाज करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। किडनी स्टोन अगर आपको है तो उसमें खीरे का जूस निकाल के आप पिए, खीरे का जूस आधा गिलास या एक गिलास पूरा भर के सुबह शाम दोनों समय आप पिए, उससे फ़र्क पड़ेगा। वेट लॉस अगर आपको करना है, वज़न कम करने के लिए आप जो है खीरा खाएं, उसमें बहुत मिनिमम कैलोरीज होती हैं, मैं कैलोरीज काफ़ी कम है, फैट तो नाम मात्र का भी नहीं है उसके अंदर, तो बहुत अच्छा है वेट लॉस वाले पेशेंट्स के लिए, बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त हड्डियों को भी मजबूत करता है, यानी कि जो विटामिन के उसमें होता है उसके माध्यम से हमारी हड्डियों में थोड़ा सा स्थिरता आती है, उसमें ताकत आती है, तो उसके लिए भी आप खीरे का प्रयोग जरूर करें हड्डियों के लिए। एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, सुबह का खीरा हीरा और शाम का खीरा पीरा। ऐसे में खीरे के सेवन को लेकर क्या कोई परहेज भी है या फिर कोई सावधानी भी है, आइए जानते हैं।